मिडल टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इसका कोफिशेंट 1 है, लास्ट में -21 है। 1 और -21 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, -21। यानी जो भी इसके दो पार्ट्स बनेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -21 आना चाहिए। अब हमारे पास 21 को हमने डिवाइड किया, ऐसे टेबल से हमने डिवाइड करना है कि इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके बीच वाली रकम आए। अब 3 और 7 इसके फैक्टर तो बन गए, लेकिन हमने ये देखना है कि 3 के साथ साइन कौन सा लगेगा और 7 के साथ साइन कौन सा लगेगा, तभी -4 पता चलेगा हमें कि नहीं आएगा। तो मैंने प्लस माइनस की असाइनमेंट में पीछे बताया था कि जो बड़ी रकम का साइन होता है वही माइनस में लगता है। यानी कि अगर हम 3 के साथ प्लस लगाएंगे और 7 के साथ माइनस लगाएंगे तभी -4 आएगा। तो इसके साथ हमने x लगा देना है बाकी, यानी 3x-7x करेंगे तभी -4 आएगा। और अगर हम प्लस का 3 और -3 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -21 आता है। तो यानी हमारे ये मिडल टर्म्स को तोड़ के दो फैक्टर्स बन गए। अब फर्स्ट टू में कॉमन और नेक्स्ट टू में कॉमन। फर्स्ट टू में कॉमन बनता है x x+3, और सेकंड में ऐसा टेबल जो दोनों को डिवाइड करता है वो है 7, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 3 21। एक बार इन दोनों में से एक फैक्टर लिखना है आपने, और एक बार x-7 जो हमने कॉमन लिए थे वो फैक्टर लेना है।